अगर आपने भी अपने योमो लॉन्चर का यूज़ किया है या फिर इसको इंस्टॉल कर रखा है, अब आपको इसे डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो योमो लॉन्चर आपके फ़ोन से, आपके टैबलेट से अब अनइंस्टॉल कैसे होगा, क्या करना है, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल जानकारी बताई जाएगी। तो अगर आपने भी योमो लॉन्चर को इंस्टॉल कर रखा है और जब आप इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आ रही है कि अनइंस्टॉल इसको मतलब करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे आपको इसे हटाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि योमो लॉन्चर का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉन्ग टैप कीजिए। अब मैं दूसरे एप्लीकेशन से आपको सेटिंग बताऊंगा, वो आपको करनी है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई योमो लॉन्चर है, ये है, तो इसके ऐप इन्फो में आपको चले जाना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए और ऐप इन्फो में आइए। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का बटन मिलेगा नहीं, तो अनइंस्टॉल का बटन लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फोर स्टॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस फोर स्टॉप के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन का, योमो लॉन्चर का फोर स्टॉप आपको कर देना है। जैसे इसका फोर स्टॉप हो जाए, दूसरा काम आपको ये करना है, इसके स्टोरेज और कैचे में जाना है और उसके बाद इसका क्लियर डाटा भी आपको कर देना है, क्लियर स्टोरेज आपको कर देना है, ठीक है। ये आपको काम कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फिर भी अनइंस्टॉल का बटन मिलेगा नहीं, ठीक है, अनइंस्टॉल का बटन अभी भी यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो इसके इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको एडवांस का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आप देखोगे कि तो एडवांस लिखा होगा और यहाँ पे ऐप डिटेल्स करके लास्ट में एक ऑप्शन है, ऐप इंस्टॉलेड फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। तो इसके बटन पर क्लिक करना है, ऐप डिटेल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे खुल जाएगा, आपका योमो लॉन्चर यहाँ पे खुल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल और ओपन का बटन आपके सामने होगा, तो आपको जस्ट अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके दबाना है और आपका एप्लीकेशन योमो लॉन्चर यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है योमो लॉन्चर को अपने फ़ोन से जो है परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना किसी लॉक के या फिर बिना किसी पैटर्न के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।